दिनारा प्रखंड प्रशासन द्वारा नाइट कर्फ्यू के आदेश को लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता के बीच किया गया प्रसारित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरे लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार में बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। नाइट कर्फ्यू के इस निर्देश के अनुसार दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने, कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों को बंद करने, 50% उपस्थिति के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को खोलने, सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने संबंधी कई आदेश हैं। आज दिनारा प्रखंड में बिहार सरकार के नाइट कर्फ्यू के आदेश को जनता के बीच प्रखंड प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किया गया और सरकार के इस नाइट कर्फ्यू में जनता से सहयोग करने की अपील की गई। आमजनों को सूचित किया जाता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकान संध्या 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रात्रि में 10 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। सभी व्यक्ति मास्क जरूर पहनेंगे। सभी दुकानदार भाई दुकानों में प्रवेश करने वालों के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखेंगे। सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह है कि सामाजिक दूरी बनाकर ही ग्राहकों को सामान देंगे। प्री स्कूल से 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। विवाह में 50 व्यक्ति की अधिकतम सीमा होगी, किंतु बारात जुलूस और डीजे नहीं होगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने में कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो।